नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी चुनाव से पहले भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के वीडियो यूपी में काबा पार्ट टू ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। इस वीडियो में देसी अंदाज में नेहा सिंह राठौर ने गाने के जरिए बीजेपी सरकार की नाकामियां, बेरोजगारी, नेताओं की रंगदारी और कोरोना काल में गंगा में बहाई गई लाशों को लेकर सवाल उठाए हैं और अंत में प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब इसी गाने का एक नया वर्जन सामने आया है। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक छोटी सी बच्ची का वीडियो शेयर किया है जो नेहा सिंह राठौर के गाने यूपी में काबा की नकल कर रही है। सिंगर नेहा सिंह राठौर ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, दबाकर दिखाइए इस आवाज को, है हिम्मत, सच को झुठलाना इतना भी आसान नहीं होता। बता दें कि इस वीडियो में बच्ची गा रही है, बाबा के दरबार बा खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जोरे लड़की के परिवार बा, ए बाबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, टिकती कुकुर बिलार बा, ए बाबा काबा यूपी में काबा, मंत्री के बिटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन की छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोलो के जिम्मेदार बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। नेहा सिंह राठौर ने बीते 25 जनवरी को यूपी में काबा का पार्ट टू रिलीज किया था। साड़ी पहने देसी अंदाज में नेहा सिंह राठौर के गाए दोनों गीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। यही नहीं, अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये गाना बजाया था। उनके गीतों में सरकार की आलोचना की गई तो एक वर्ग से उन्हें समर्थन भी मिल रहा है तो दूसरे वर्ग से उन्हें विरोध भी झेलना पड़ रहा है। बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ की रहने वाली नेहा सिंह राठौर एक भोजपुरी गायिका हैं। 25 वर्षीय नेहा सिंह ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कानपुर विश्वविद्यालय से की है। सामाजिक मुद्दों पर वो अपने गीत खुद ही लिखती हैं, खुद ही धुन तैयार करती हैं और गाती भी हैं, जो वायरल भी होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।